नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के एक्सलेंस अवार्ड में। ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज को आप इस तरीके से समझिए कि हम हर जिले में जा रहे हैं, हर जिले की जो समस्याएं हैं, हर जिले में जो संभावनाएं हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। वो इश्यूज जो लोगों के हाईलाइट नहीं हो पाते हैं उन इश्यूज को हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके जो प्रतिनिधि हैं उन तक वो इश्यूज पहुंचे और वो आगे बढ़े। ये देखिए, एक ऐसा मंच है जहां पर आज संभावनाओं की बात होने जा रही है। ये एक ऐसा मंच है जहां पर आज आपके शहर की बात होने जा रही है। एक ऐसा मंच देखिए जहां आपके ही क्षेत्र की बात होने जा रही है। इसके अलावा न्यूज नेशन एक्सलेंस अवार्ड की इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर धीरेन्द्र पुंडीर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। वो मंच पर आए और वेलकम नोट दें। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग यहाँ आए। इस तरह की उसमें हम लोग एक ऐसी सीरीज की तौर पर ये चीजें कर रहे हैं क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम तमाम बड़ी खबरों में अपने शहर को भूल जाते हैं, अपने शहर की समस्याएं भूल जाते हैं, अपने शहर के पॉलिटिशियंस, अपने शहर का एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारी चर्चाओं में नहीं होता। हेडिंग्स आएंगी चली जाएंगी, लेकिन ये एक नया संवाद है जिसमें ये कोशिश है कि उस शहर को किस तरह देखा जाए जो जिसको हम रोज जीते हैं। उस शहर को अगर हम लोग टीवी पे देखते हैं तो वो सिर्फ खबरों का शहर होता है, इसके अलावा वो शहर बहुत कुछ होता है। वो इस तरह के कॉन्क्लेव का यही उद्देश्य है कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने पॉलिटिशियंस, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट और साथ में वो तमाम चीजें जो रोजमर्रा में हम झेलते हैं। आज हम कानपुर में हैं, मुझे कानपुर के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आप ही का शहर है कानपुर, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसा शहर है जो मेरी नजर में जो अपने से बार बार हिंदुस्तान के इतिहास में अपने आप को खड़ा करता है, फिर दोबारा चर्चाओं में आता है, थोड़ा समय कोई अगर आघात आता है तो उससे फिर निपटकर वापसी है। ये इतिहास के पन्नों में है। हम चाहे इसको एक सबसे ताजा उदाहरण के तौर पर एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने पूरी दुनिया में इस देश में खड़ा किया कानपुर को, फिर बाद में ग्रेवयार्ड कहलाया, उससे आगे बढ़ा कानपुर लेदर इंडस्ट्री पे आ गया, वहां से फिर आगे बढ़ के बहोजरी में और फिर एजुकेशन हब के तौर पर, यानी एक के बाद एक इस शहर का ट्रांजिशन है जो मुझे लगता है बाकी हिंदुस्तान के उन तमाम लोगों को भी, क्योंकि इस समय लाइव है तो बहुत सारी चीजें हम इससे समझेंगे। लेकिन कानपुर के शहर में मैं कह सकता हूं कि कानपुर में आना मुझे हर बार, चाहे वो मैं कवरेज के दौरान आया हूं या वैसे आया हूं, कानपुर से हर बार कोई नई चीज सीख के जाते हैं। मुझे उम्मीद है आज के इस दिन में भी हम लोग कुछ नया एक संवाद होगा जो कानपुर के लिए काफी कुछ नई चीजें बात करेगा, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारी जिंदगी में हम लोग भूलते हैं। इस शहर में अब ये शहर किस शेप में जा रहा है, इस शहर की मौजूदा चुनौतियां क्या हैं, ये हम लोग दिल्ली में या नोएडा में बैठकर नहीं समझ पाते हैं। यहां तक कि लखनऊ जो महज 80 किलोमीटर है वो भी उस तरह नहीं देखता अपने शहर को। आज हमारी कोशिश यही रहेगी इस संवाद को देखें, काफी सारे जनप्रतिनिधि और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सबके सभी बड़े लोग हैं, तो हम लोग उन्हीं से संवाद करके एक रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे और क्या समस्याएं हैं जो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं।